Good morning, students. Today we are continuing 11th chapter, that is algebra. Okay. First question: the side of an equilateral triangle is shown by L. Okay. Equilateral triangle के sides क्या होते हैं? Equal होते हैं ना? तो उसके एक side का L है. तो बाकी तीनों side, बाकी दो side भी क्या होगा? L ही होगा, right? Express the perimeter of an equilateral triangle using L. पैरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? पैरीमीटर मीन सभी साइड को हम प्लस करते हैं, राइट? पैरीमीटर फाइंड करने के लिए, राइट? करते हैं तो हमें पैरीमीटर मिलता है, राइट? तो इसमें भी देखो, सभी साइड्स को हमने प्लस करा
तो 6 बार एल आ रहा है ना, उसको प्लस करोगे तो क्या आएगा, 6L। ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन व्हिच जॉइंस टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल एंड ऑल्सो पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक्सप्रेस द डायमीटर ऑफ द सर्कल डी इन टर्म्स ऑफ इट्स। Okay students, now next is which out of the following are the expression with the numbers only? Okay, आपको numbers expression यानी जो इसमें दिया हुआ है number ही चाहिए आपको, कि उसमें variable होगा तो उन आपको इसमें क्या find करना है, which out of the following are the expression with numbers only? आपको जिसमें numbers है वो देखना है। okay, बस number ही होने चाहिए, इसमें variable नहीं होने चाहिए। variable means क्या है,
जैसे कि एक्स वाई जेड है ना, ए बी सी डी में से कोई भी ले लो जिसको हम बता नहीं सकते वो कौन सा नंबर है, राइट। तो वो उसको सब क्या बोलते हैं, हम वेरिएबल। देखो इसमें जेड दिया हुआ, वाई दिया हुआ है ना, वो पता नहीं हमें कितना नंबर होगा, ये तो वेरिएबल है ना। इसलिए क्या है, वेरिएबल मीन्स जो एक्स वाई जेड ऐसे देते हो उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। ओके, जैसे कि एफ में देखो एन दिया हुआ है, राइट। ई में देखो एक्स दिया हुआ, सब क्या वेरिएबल है, राइट। अभी आपको नंबर्स वाले ही आपको फाइंड करना है ना, कौन सा एक्सप्रेशन है जिसमें नंबर्स ही है। Okay students, now next is identify the operation find the operation addition likha hua hai, okay, addition, subtraction, division, multiplication, informing the following expression and tell how the expression have been formed। तो वो कैसे formed हुआ उसका operation बताना है। operation means वो addition है कि subtraction है कि multiplication है कि division है। okay, देखो मैंने ये table बना दिया है, first है expression, फिर operation and then how it is formed। okay, first is z plus 1। okay, उसमें क्या है, multiplication है कि subtraction है कि addition दिया हुआ है, plus sign है, इसका मतलब वो क्या है, addition है, right। Yeah.
ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज माइनस सेवन एम प्लस थ्री, है ना। इसमें क्या है, माइनस भी है ना, माइनस और क्या है, मल्टीप्लीकेशन भी है इसमें। इसमें क्या है, मल्टीप्लीकेशन भी है, एडिशन भी है फर्स्ट वाले में, राइट। नेक्स्ट में एडिशन, मल्टीप्लीकेशन भी है एंड सब्स्ट्रैक्शन है ना। हमें दो वैल्यूज यानी दो नेक्स्ट मल्टीप्लाई एंड एडिशन हो गया, राइट। अब हम हाउ इट इज फॉर्म कैसे लिखेंगे, फर्स्ट सेवन एम, सेवन एम मीन्स
ओके इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू, दिखाई दे रहा है, क्लियर है? ओके ओके टुडे वी आर स्टॉपिंग हियर. ओके नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर. ओके प्रैक्टिस करना है आपको, नहीं करोगे तो नहीं आएगा. ओके प्रैक्टिस करोगे तो ही आएगा. ओके थैंक यू फॉर लिसनिंग.